प्रवीण झा नवीन झा को सूचना दें कि जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। मुकेश साहब भी जल्दी कोर्ट में हाजिर हो। बेनीपट्टी नरसंहार कांड, ढोल बजवाया, इश्तेहार चिपकाया, फिर भी समर्पण नहीं किया तो पुलिस ने की जबरदस्त कुर्की मधुबनी। मध्य बिहार के मधुबनी में बेनीपट्टी में होली के दिन हुए नरसंहार कांडन पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। आरोपों से चौतरफा घिरी पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने के लिए पहले ढोल बजवाया, उसके घर पर इश्तेहार चिपकाया, लेकिन जब उसने फिर भी समर्पण नहीं किया तो पुलिस ने रविवार को उसके घर की जबरदस्त ढंग से कुर्की जब्ती की। पुलिस ने उसके घर के दरवाजे और खिड़कियों तक उखाड़ लिए। खबर के मुताबिक बेनीपट्टी थाना के गौवीपुर स्थित प्रवीण झा के घर की कुर्की जब्ती की गई। मोहम्मदपुर में 5 लोगों की हत्या मामले में प्रवीण झा मुख्य आरोपी हैं। पिछले 4-5 दिनों से मुख्य आरोपी की तलाश जारी थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने के बाद प्रवीण झा के घर की कुर्की जब्ती की गई है। कोर्ट के आदेश पर बेनीपट्टी पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी प्रवीण झा व नवीन झा के घर भारी पुलिस फोर्स के कुर्की जब्ती की कार्यवाही की। पुलिस मुख्य आरोपी के घर के चौखट से लेकर खिड़की तक को तोड़ कर ले गई। घर में रखे सारे सामानों की सूची बनाकर वाहन पर लाद कर ले गई। पुलिस कुर्की के क्रम में घर से बिस्तर, पेटी, बक्सा, गोदरेज, कपड़ा व अन्य सारा सामान अपने साथ ले गई। कुर्की जब्ती की कार्यवाही के दौरान एक हथियार बरामद हुआ है। कुर्की जब्ती की कार्यवाही का नेतृत्व सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार कर रहे थे, जिनके साथ अरेड़ SHO राजी किशोर कुमार, मधवापुर SHO गया सिंह, साराघाट SHO सुरेंद्र पासवान, खिरर SHO अंजेश कुमार आदि मौजूद थे। इससे पूर्व शनिवार को पुलिस पदाधिकारियों ने ढोल बजाकर फरार आरोपियों को कोर्ट अथवा पुलिस के समक्ष सरेंडर करने का आदेश देते हुए सभी आरोपियों के घर इश्तेहार चिपका दिए। ज्ञात हो कि फरार आरोपियों ने गत 29 मार्च को होली के दिन दोपहर के समय भीषण गोलीबारी कर महमूदपुर में 6 लोगों को भून दिया था, जिसमे 5 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।